संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगा। बिहार टीवी, नई सोच, नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एवं राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर अस्थावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने पहुंचे थे। चुनावी सभा की अध्यक्षता लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मुकेश पासवान ने किया। मंच का संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि आज आप लोगों के बीच आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज देश के अंदर 6 चरणों का मतदान हो चुका है और इन 6 चरणों के मतदान में एक बात है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनना तय है, तब ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम सब एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजें जो भारत की संसद में जाकर आप सबका प्रतिनिधित्व करें। आपका प्रतिनिधित्व जो करें वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। हमारे प्रधानमंत्री ने हर वर्ग हर व्यक्ति का ध्यान रखने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव में महिला के सम्मान को लेकर शौचालय बनाने का काम किया, उज्ज्वला योजना देने का काम किया, आयुष्मान योजना देने का काम किया जिसके अंतर्गत 5 लाख तक मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा के साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस राजद के लोग नहीं चाहते कि हम लोग गरीबी रेखा से आगे निकले। ये वही लोग हैं जो 90 की दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। ये वही लोग हैं जो नौकरी देने के नाम पर जमीन छीनने का काम करते हैं, और आज ये लोग आप लोगों के बीच इसी सोच के साथ आ रहे हैं। अगर विपक्ष जीता तो कांग्रेस अपने घटक दलों के साथ एक कानून बनाने वाली है जो कानून आपके जमीनों को हड़प लेगी। ये लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। कभी ये लोग संविधान का खतरा है, कभी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कभी आरक्षण खत्म कर देंगे जैसी बातें करते हैं, जबकि 1975 में इन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रामलाल लगभग 500 साल तक पंडाल में बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण कराकर वर्षों का इंतजार खत्म किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष मोहर्षद, लोजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट, जदयू जिला उपाध्यक्ष विनोद प्रसाद सिंह, नालंदा लोकसभा चुनाव समिति के सदस्य ब्रजराज चौहान, जिप सदस्य पंकज कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष निर्मल कुमार, अंदीपैक्स अध्यक्ष कर्मवीर कुमार, व्यापार मंडल के अध्यक्ष उदयशंकर प्रसाद, राजकुमार संतोषी, बटोरन पासवान, सलमान अख्तर उर्फ मिस्टर मुखिया, जयराम पासवान, मुरारी प्रसाद, अनीता सिंह, पूर्व मुखिया सुबोध कुमार, राजा राम सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मनोरंजन कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जो नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम करते थे, और आज इन लोगों ने विधिवत तरीके से जमीन लूटने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये लोग एक कानून बनाना चाहते हैं, कांग्रेस राजद और इनके घटक दलों के लोग। ये लोग एक कानून बनाने की तैयारी में है, विरासत पर कर, इनहेरिटेंस टैक्स। इसके माध्यम से आप लोगों का जितना जमीन है, गरीब किसान का, गरीब मजदूर का जितना जमीन होगा, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद इनके घटक दल के लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। आप लोगों का चाची जितना घर पे गहना जेवर पड़ा होगा ना, उसका 55% हिस्सा की कांग्रेस वाला, राजद वाला, इन लोग का गठबंधन का जितना लोग है, ये लोग कानून बनाने वाला, अगर जीत गया तो 55% घर से गहना उठा कर ले जाएगा, जमीन का हिस्सा काट कर ले जाएगा। इस सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और डराते किस बात को लेकर है, ये बात हम लोग के सामने ना आए तो झूठ बोलने का काम करते हैं। कहते हैं संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी।
जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने, आज असामा की इस धरती से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये बात। जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।